राम राम जी गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइज ये वीडियो में लेके आ चुका हूँ हम अपनी लाइफ के ऊपर कि हम अपनी लाइफ के में व्हाई वी डोंट टेक रिस्क इन अवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ में जोखिम क्यों नहीं लेना चाहते और जोखिम ना लेने के हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। गाइज सबसे पहले बता दूं कि यार जोखिम एक ऐसा वर्ड है जिससे हर एक आदमी, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा सब घबराता है इस चीज के, इस नाम से ही घबराता है। इस लाइफ इसको कोई अपनी लाइफ में उतारना नहीं चाहता कि रिस्क मैं अपनी लाइफ में लूं, इससे दूर भागते जितना दूर हो सके उतना ही दूर भागते हैं गाइस। तो गाइस हम रिस्क यानी जोखिम अपनी लाइफ में लेने से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि हमारे जिंदगी में एक शब्द है आराम, यानी कि कंफर्टेबल। हम अपने आप को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं कि जैसी जिंदगी चल रही है, जिसकी भी जो भी काम है वो वैसी ही चलती रहे, उसमें उसे कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई उसमें छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि सबको लगता है यार जैसा है वैसा रहने दो यार, हमें और कुछ नहीं लेना, कोई जोखिम ऊपर इससे बढ़ना नहीं। वही मेन कारण होता है हमारी सक्सेस को ना अचीव करने का, क्योंकि जोखिम के बिना सक्सेस नहीं मिलती। ये आप किसी के भी बड़ी महान पुरुष को भी देख लेना, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी बनाओ, जोखिम जब तक उसने नहीं लिया होगा तब तक वो कुछ नहीं बन सका होगा, कुछ भी नहीं बन सका होगा। अब किसी को भी देख लेना, किसी की भी किताबें पढ़ लेना, वो उसकी लाइफ में एक जोखिम नाम का शब्द जरूर आया होगा और उसने टाइम टाइम पे जोखिम लिया होगा। गाइस बिना जोखिम के जिंदगी नहीं चल सकती। एंड गाइस रिस्क लेने के भी तरीके होते हैं, वे होते हैं। ये नहीं है कि आंख बंद किया और कुछ भी रिस्क ले लिया, ये तो मतलब मां मूर्खता हो गई, फिर तो आप बहुत ज्यादा मतलब डेंजर में ही पड़ोगे और कुछ नहीं होगा। रिस्क लेने के भी एक रिस्क लो, कैलकुलेटेड लो कि आप रिस्क लेने से कितना नीचे पहुंचोगे। सबसे पहले प्रॉफिट ना सोच के लो सोचो कि आप लॉस में कितना जा सकते हो, कितना नहीं, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप नमक रोटी बेचोगे अगर किसी भी फील्ड में आप रिस्क ले रहे हो, उससे ज्यादा तो नहीं कुछ होगा ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो रिस्क हमेशा उतना लो जितना आप कैलकुलेट कर सको, कि उससे नीचे तो नहीं जाओगे ना, जितना भी आपने सोचा होगा, ठीक है गाइस। एंड रिस्क लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने पूरे पहले अपने आप को एनालाइज करो और अपने पोटेंशियल यानी कि अपनी क्षमताओं को जानो कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कि आप जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना आप सहन कर सकते हो या नहीं। ये सबसे बड़ा मेन पार्ट है, ठीक है गाइस। जिस दिन आपने अपने पोटेंशियल, अपने बारे में सब कुछ समझ लिया ना कि आप कितना कर सकते हो, कितना नहीं, कितना आप अपने जीवन में जोखिम ले सकते हो, कितना नहीं, तो मतलब आपको कोई माइका लाल कोई नहीं रोक सकता आपको अपने जीवन में सक्सेस यानी कि सफलता पाने से, ठीक है गाइस। और रिस्क लेने में आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम आएगी आपके सामने लोगों के, लोग आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे, सुनेंगे, आपको सुनना पड़ेगा और उस सफ़र को आपको जारी रखना पड़ेगा बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी को मतलब अपने आपको ज़्यादा सोचें, बस आपको अपने जोखिम पे ध्यान देना कि आपने आपका जोखिम आपको कितने पास लेके जा रहा है आपकी सफलता के और कितना नहीं। तो गाइस जब जब आप रिस्क लोगे तो आपको तब तब किसी ना किसी के ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प लगेगी, जिसमें कि आपके पेरेंट्स और आपके दोस्त और आपका कोई भी करीबी उसमें चाहिए होगा, तो उसको भी, वो भी आपको तभी साथ देगा जब आपके अंदर कुछ करने की चाह होगी और आपके अंदर कुछ एक पोटेंशियल होगा कि हाँ आप वो काम कर सकते हो, और आपने कुछ प्रूव करके दिखाया होगा कि हाँ यार इसने पहले ये कुछ किया है तो आज भी करेगा और आगे भी ये कर सकता है ये जोखिम लेके, तो तभी आपको किसी ना किसी का साथ मिलेगा और तभी आप अपने रिस्क को, जोखिम को ले पाओगे और अच्छे से, और हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो पाओ और अच्छे से हो भी पाओगे। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक तो कुछ नहीं होगा, यही सबसे बड़ा मेन बात है। यही मेरी इस वीडियो को बनाने का कारण था कि आज के टाइम में बहुत कम होते हैं कि रिस्क लेना नहीं चाहते लाइफ में, तो रिस्क लो, सोच समझ के लो, क्योंकि बिना रिस्क के तो ये है कि कुछ नहीं है लाइफ। रिस्क लोगे तभी लाइफ में कुछ आएगा, कुछ बनोगे, कुछ कर पाओगे, और तभी आपकी लाइफ चेंज होगी और आपकी फैमिली की लाइफ चेंज होगी, सब कुछ, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक रिस्क वर्ड ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बहुत अच्छी बात है रिस्क लेना। तो यही मेरा मोटिव था कि इस वीडियो को बनाऊं और आपको समझाऊं कि रिस्क के कितने फ़ायदे होते हैं, कितने नहीं। एंड गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड गाइज इस वीडियो को क्रेडिट
बनाने में जो मेरे कैमरामैन है वो है किट्टू कुमारी जी, इसने पूरी हेल्प की है भाई, बहुत अच्छे से शूट करा है, तो उसे भी मेरा बहुत ज़्यादा थैंक्स है। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। एंड गाइज मेरी तरफ से आप सभी को राम राम जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।